हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आया हूं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ सी बी सैंपल पेपर यानी पी टी का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इस सैंपल पेपर का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है बच्चों? अगर आप लोग चाहें तो हमारी सैंपल पेपर वाली बुक का पीडीएफ भी अब परचेज कर सकते हैं पीडीएफ को परचेज करने के लिए डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी ठीक है बच्चों वैसे बच्चों अगर आप लोगों ने हमारी ये बुक्स परचेज की हैं या इनमें से कोई सी भी एक बुक आपने परचेज की है तो अपना नाम अपने स्कूल का नाम इस वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में डाल देना ठीक है बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट नंबर ट्वेंटी फोर के सॉल्यूशन का कंप्लीट डिस्कशन तो ये रहा बच्चो पीटीएस ट्वेंटी फोर चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन के साथ तो यहां पर बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक के क्वेश्चन वन मार्कर हैं ये सब बातें आपको पता ही हैं इसलिए मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर दिया डायरेक्टली हम क्वेश्चन वन से अपने पेपर का सॉल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है अब सबसे पहले मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ध्यान से देखना बच्चों ठीक है ना अगर इसे फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर मैं कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू को साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू लिखूं तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक कि किसी को नहीं होगी ठीक है पहले से ही कॉस इनवर्स माइनस हाफ है और ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस वन है इसे मैं लिखूँगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ वन ठीक है बच्चों अब इस चीज़ को ध्यान से देखना ये क्या हो गया ये तो आपका पाई बाई टू हो गया ना फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या होता है तो ये होता है पाई बाई टू तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस करली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पाई बाई टू लिख दिया यहां पर पहले से ही पाई है और कॉट इनवर्स ऑफ वन का मतलब हो गया पाई बाई फोर अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो पाई बाई टो प्लस ये आपका हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा फाइव पाई बाई फोर ठीक है बच्चो यानी क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी एक बार आप चेक करो क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं क्वेश्चन टू में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों? तो यहां पर कह रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स पी है मैट्रिक्स क्यू है और एक मैट्रिक्स आर है इनकी वैल्यूज भी गिवन है इन तीनों मेट्राइसिस का प्रोडक्ट को हमें मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करके दे दिया गया है फिर हमसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पूछा गया है अब अगर आप ये सोचें कि इन तीनों मैट्राइसिस के एलिमेंट्स तो हमको दिख ही रहे हैं तो चलो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मिल जाएगा वेल well, अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर तो सकते हो लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होगा तो हम कैसे करेंगे ध्यान से सुनना हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालना है सच दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू पी आर क्यू ध्यान से सुनिए मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या है बच्चों यहाँ पर देखो इसमें टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं फिर मैट्रिक्स आर की बात करो मैट्रिक्स आर का ऑर्डर है थ्री बाय थ्री फिर मैट्रिक्स क्यू की बात करो ये रहा मैट्रिक्स क्यू इसका ऑर्डर है थ्री बाय वन तो जैसे ही मैं P इन आर वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पता करने के लिए कहूंगा यानी मैट्रिक्स प्रोडक्ट पी आर का ऑर्डर तो यहां पर आपको दिख गया होगा इसका ऑर्डर आएगा टू बाई थ्री मैट्रिक्स क्यू तो बाहर पहले से ही है यानी अब फाइनली मैट्रिक्स पी आर क्यू का ऑर्डर अगर मैं आपसे कहूं लिखने के लिए तो यहां पर आप ऑर्डर देख पाएंगे कि ये टू बाई वन आएगा और ये पूरा मैट्रिक्स ए के ही तो इक्वल है तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा टू बाई वन यानी ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक बार आप ध्यान से देख लो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर इसमें हमें ये बोला गया है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री यानी हमें ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसके एडज्वाइंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी दे रखा है फिर हमें यह कंडीशन दे रखी है जिसकी हेल्प से हमें के की वैल्यू निकालनी है इसको पकड़ो बच्चों है ना एट ज्वाइंट ऑफ ए का डिटॉमिनेंट मतलब इसे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए का डिटॉमिनेंट इसकी पावर में थ्री माइनस वन यानी एन माइनस वन वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए तो ये बन जाएगा डिटामिनेट ऑफ ए का स्क्वायर नाउ दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन तो यहां से डिटामिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस फोर ठीक है बच्चों इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको ठीक है अब जरा इस कंडीशन को देखना यहां पर लिखा हुआ है डिटामिनेंट ऑफ टू ए पूरे की पावर में फोर ठीक है अगर ये सिर्फ डिटामिनेंट ऑफ टू ए होता तो इसे हम कैसे सॉल्व करते बच्चों इसे हम लिखते टू की पावर में थ्री यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू डिटॉमिनेंट ऑफ ए यानी ये बनता टू की पावर में थ्री इंटू में प्लस माइनस फोर एक बार चेक करो आपने अभी डिटामिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली है तो ये बन जाएगा प्लस माइनस टू की पावर में फाइव समझे कि नहीं फोर का मतलब क्या हुआ टू है बच्चों तो यहां पर अगर इस चीज को मैं इधर यूज करने लगूं तो यह बनेगा प्लस माइनस टू की पावर फाइव पूरे की पावर में फोर इस पावर फोर को मत भूलना तो यह बन जाएगा टू की पावर में ट्वेंटी और ये सब दे रखा है टू की पावर के के इक्वल यहां पर आप चेक कर लो बच्चों समझे यहां से कंपैरिजन करोगे तो के की वैल्यू ट्वेंटी मिल जाएगी यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट आप ध्यान से देख लो बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन फोर जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर है इसमें क्या बोला हुआ है यहां पर हमें बोला गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ऑफ एक्वल्स थ्री बाई फाइव पी ऑफ बी की वैल्यू ये रही हमसे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैस की वैल्यू पूछी गई है ध्यान से सुनना अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए डैस एंड बी डैस आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए अब अगर ए डैस एंड बी डैस इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अब पी ऑफ A डैस का मतलब क्या हुआ वन माइनस पी ऑफ ए ठीक है और पी ऑफ B डैस का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ बी ठीक है अब इन सब की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है यानी P ऑफ A की वैल्यू दैट इज थ्री बाई फाइव और पी एफ बी की वैल्यू यानी फोर अपॉन नाइन इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा टू अपॉन फाइव इन फाइव अपॉन नाइन यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टू अपॉन नाइन यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट समझे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन फाइव जो कि वेक्टर एल्ज्रा के ऊपर है इसमें क्या बोला हुआ है यहां पर कह रहा है कि वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड तो वन हो गया ये हमें बता दिया गया है पहले से ही अब इसके बाद हमें यह कंडीशन दे रखी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है यानी वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ध्यान से सुनना यहां पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां पर एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, यानी ये इस तरीके से लिखा जा सकता है माइनस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स और यहां पर माइनस वेक्टर ए के मैग्निट्यूड का स्क्वायर नाउ दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट ठीक है बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो गए ध्यान से देख लो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे समझे तो यहां पर आपके लिए बच जाएगा वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वन स्क्र यानी वन ही रहने दो नाउ दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट तो यहां से आपको इस तरीके से मिल जाएगा फोर्टी नाइन यहां से वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड आएगा सेवन वैसे मैंने प्लस माइनस सेवन क्यों नहीं लिखा यह मुझे कमेंट करके बताना ठीक है बच्चों तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन फाइव का ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों ठीक है अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं यहां पर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है यानी हमें पहले से ही बता दिया कि ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज होगा तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन ए को ध्यान से देखना इसे अगर मैं मैट्रिक्स पी मान लूं और दोनों ही तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये तो आपका मैट्रिक्स ए बनेगा और ये पी ट्रांसपोज यहां पर देखना जरा तो यहां से कंपैरिजन करके आप इसे P इक्वल्स P ट्रांसपोज भी कह सकते हो मतलब ये तो आपका आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप ही बनेगा लेकिन ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा समझे तो यहां पर बेसिकली हम ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर के फॉर्म में डिक्लेयर कर देंगे ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स विल बी करेक्ट क्योंकि इसने ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन सेवन क्या है बच्चों तो यहां पर बेसिकली ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमें ये कंडीशन दे रखी है हमसे डी वाई अपॉन डी की वैल्यू पूछी गई है यहां पर अगर मैं बोथ साइड पावर वाई ले लूं यानी x की पावर वन अपॉन वाई तो आपको दिख रहा है यहां पर पावर y अगर मैं बोथ साइड अप्लाई कर दूं तो हमें x इक्वल ए टू दी पावर y मिलेगा यहां से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा एक बार ध्यान से देखो समझे कि नहीं यहां से dy वाई अपॉन डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों तो वन अपॉन ए टू दावर वाई इन टू में लॉग ऑफ है ये डिनोमिनेटर में ही है अब ऐसा किसी भी ऑप्शन में तो मुझे नहीं दिख रहा यहां पर a टू पावर y की वैल्यू x थे यानी अगर मैं इसे ऐसे लिख लू तो फिलहाल यह फर्दर सिंप्लीफाई हो गया है लेकिन ऐसा भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है अगर इसे मैं इस तरीके से लिखू तो पावर में माइनस वन तो मुझे लगाना ही पड़ेगा ध्यान से देख लो अब कौन से वाला ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन डी इज एप्सोलूटली करेक्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर एट जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों ये मैट्रिक्स एल्जेब्रा का क्वेश्चन है इसमें कैसे करेंगे इसने बता दिया है कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं होगा मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फिर हमें ये कंडीशन दे रखी है हमसे ए इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड यूनिट मैट्रिक्स पर कैसे करेंगे स्क्वायर को ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम तो आई थिंक आपको नहीं होगी अब दोनों तरफ या तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समझे बच्चों तो जैसे ही मैं दोनों तरफ ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा अब जैसे ही ये काम हम करेंगे तो यहां पर एल में क्या होने वाला है ध्यान से देखना बच्चों इस तरीके से ए अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रैकेट के अंदर और यहां पर यह मैट्रिक्स ही रह जाएगा अब ये फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं आप चेक करके देखो ठीक है बच्चो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी टू ए प्लस आई टू ए प्लस आई यानी ऑप्शन ए को एक बार आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ जो कि वेक्टर एल्ज्रा में से है यहां पर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है हमें यह भी दे रखा है हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है वेल well, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो अच्छी बात है डायरेक्ट फार्मूला मतलब ये किसके इक्वल होता है बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं ये इसके इक्वल होता है ये डॉट प्रोडक्ट है समझे इस आइडेंटिटी को लेग्रेंजस आइडेंटिटी भी बोलते हैं समझे कि नहीं याद रहेगा अब इसके बाद फर्दर हम यहां पर क्या कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में आपके पास डाटा तो गिवन ही है यहां पर 13 का स्क्वायर यानी 169 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा माइनस a.b का जो स्क्वायर है ना इसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए डॉट बी आपके लिए रियल नंबर ही तो देता है समझे स्केलर प्रोडक्ट भी तो बोलते हैं इसको अब ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्वेल्व दे रखा है ट्वेल्व का स्क्वायर यानी वन फोर्टी फोर यानी ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो यहां से जैसे ही एल एच एस में से स्क्वायर को हटाओगे तो आपको ये फाइव मिलेगा प्लस माइनस फाइव क्यों नहीं मिलेगा कमेंट करके बताना फिलहाल इसका ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं क्वेश्चन टेन जो कि यहीं पर आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है इसमें हमसे सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछा गया है सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो मतलब डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है इसे अप्लाई करो तो ये चेन रूल की हेल्प से होगा थ्री टाइम्स यहां पर डी टू वाई अपॉन डीएक्स टू और इस पूरे की पावर में थ्री माइनस वन यानी स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली ये फिर डी टू वाई अपॉन डीएक्स टू हम डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री में समझे बच्चों तो बस बच्चों इस तरीके से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया अब इस सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म यहां पर आपको दिख रहा होगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री यानी इसका ऑर्डर तो थ्री हो गया हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट जो कि वन है उसी को हम डिग्री बोलेंगे आपसे सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है तो ये आंसर आपको फोर मिल जाएगा यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है सम ऑफ देयर डिफरेंस इज ध्यान से सुनना अगर मैं एज्यूम कर लूं कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है सच दैट अगर इन दोनों को हम ऐड करें और हमें एक वेक्टर सी मिले तो वेक्टर सी भी यूनिट वेक्टर होगा समझे ये कंडीशन हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में अब बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और दोनों ही तरफ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो तो हमें तो ऐसा मिलेगा अब यहां से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हम इस तरीके से लिख दें ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आर एच एस में वेक्टर सी का डॉट सी के साथ में ही ले लिया एल एच एस में ए प्लस बी वाले वेक्टर का डॉट ए प्लस बी वाले वेक्टर के साथ ही ले लिया समझे कि नहीं यहाँ पर जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा जिसे फर्दर हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए डॉट ए यानी देखो ध्यान से ऐसे मिलेगा फिर आपको मिलेगा टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी यानी इस तरीके से और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर यानी वन प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस वन इक्वल्स वन समझे तो यहां से हमें टू टाइम्स ए डॉट बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन इसे संभाल के रखो आगे फ्यूचर में काम आएगा अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को तो क्योंकि हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू को तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे और यहां से हम लिखेंगे a- माइनस बी का डॉट a- माइनस बी के ही साथ में अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ध्यान से देख लो बच्चों समझे तो ये बन जाएगा वन माइनस ऑफ वन इक्वेशन फर्स्ट को चेक करिए और ये वन समझे कि नहीं तो यहां से आपको मिल जाएगा ये थ्री सो दैट मीनस ए माइनस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा प्लस माइनस रूट थ्री या सिर्फ रूट थ्री तो सिर्फ रूट थ्री आएगा तो यहां पर आपको ऑप्शन बी सही लग जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों भी वेक्टर एल्जेब्रा का ही क्वेश्चन है यहां पर हमें दे रखा है दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल्स नल वेक्टर और हमसे पी प्लस टू क्यू की वैल्यू पूछी गई है अगर कोई से भी दो वेक्टर ऐसे हों जो कि नल वेक्टर ना हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आपको नल वेक्टर मिले तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरल वेक्टर हैं और पैरल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमारे दोनों वेक्टर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे टू अपॉन वन इक्वल्स पी अपॉन सिक्स इक्वल्स नाइन अपॉन क्यू समझे बच्चों तो यहाँ से अगर आप इस कंडीशन को लेंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 12 और अगर आप यहाँ से इस कंडीशन को लेंगे तो यहाँ से आपको 2q की वैल्यू मिलेगी 9 तो क्योंकि आपसे p प्लस टू पूछा गया है तो P की वैल्यू 12 है और 2Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है यानी नाइन दैट मीन आपका फाइनल आंसर आएगा ट्वेंटी वन तो यहां पर ऑप्शन ए को आप मार्क कर दो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन को देखते हैं और ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है इसमें क्या पूछा हुआ है एज्यूम दैट लाइन मेक्स एन एंगल एल्फाबीटा गामा विद द कोर्डिनेट एक्सेस रेस्पेक्टिवली तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है हमें तो पहले से ही पता है ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखो याद है या नहीं सिंपल सी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए अब यहां से क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो साइन स्क्टा प्लस स्क्वायर गा की निकालनी है तो क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम यहां पर अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे कॉ स्क्वायर एल्फा को मैंने क्या लिखा ध्यान से देखो फिर कॉ स्क्वायर बीटा को क्या लिख रहा हूं ये भी देखो और कॉ स्क्वायर गामा को हम क्या लिखेंगे इसे भी आप ध्यान से देखिए ठीक है बच्चों जैसे ही आप लोग साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स थ्री माइनस वन यानी टू यानी ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज एब्सोल्युटली करेक्ट समझे बच्चों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ क्वेश्चन फोर्टीन ये रहा बच्चो और ये डिफ्रेंशियल इक्वेशन का छोटा सा क्वेश्चन है पढ़ के देखो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यह छोटा सा क्वेश्चन है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है यहां पर हमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है फिर आगे क्या बोला गया है द नंबर ऑफ एरबेट्रेरी कॉन्स्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द अबो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज देखो बच्चों ध्यान से सुनना जैसे ही आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वहां पर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को करते हुए जो आप लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी लिखा होता है उसकी वैल्यू तो आप निकाल ही लेते हो सो इन दैट केस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एरबेट्रेरी कांस्टेंट बचता ही नहीं है तो नंबर ऑफ एरबेट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी जीरो यानी वहां पर कोई भी एरबेट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल नहीं होगा यानी यहां पर ऑप्शन बी को हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन को देखते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन में हमसे क्या बोल रहा है एलपीपी का क्वेश्चन है अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट द लीनियर कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड इट्स फिजिबल सॉल्यूशन डायरेक्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिफ्टींथ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखते हैं जो कि मैट्रिक्स मेट्रिक में से है इसमें क्या है बच्चों यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोला हुआ है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा समझे तो यहां पर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे एक सेकेंड रुकिए जैसे ही डिटामिनेंट कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल थ्री बाई फोर दैट मीन आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू अब क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू प्लस रूट थ्री बाई टू है तो यहां से हमें एंगल एक्स मिल जाएगा पाई बाई थ्री अगर हमने साइन एक्स को लिया रूट थ्री बाई टू समझे और अगर साइन एक्स की वैल्यू आप लोग लेंगे माइनस रूट थ्री बाई टू तो इस केस में हमें क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट मतलब थर्ड होगा या फोर्थ होगा तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो एंगल मिलेगा पाई प्लस पाई बाई थ्री और अगर फोर्थ में जाएंगे तो हमें एंगल मिलेगा टू पाई माइनस पाई बाई थ्री तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आएगा फाइव पाई बाई थ्री ऐसा कोई एंगल हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा यहाँ पर आपको मिलेगा फोर पाई बाई थ्री ऐसा एंगल भी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा कहने का मतलब सिर्फ इसी को हम मार्क करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ऑप्शन ए इज एप्सोलूटली करेक्ट बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो कि एल में से है इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों यहां पर हमें ग्राफ दे रखा है किसी एल का फिजिबल रीजन और उसके कॉर्नर पॉइंट भी आपको दिखी रहे होंगे हमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर अगर मैं जेड की वैल्यू ए पे निकालू ए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है थ्री कॉमेटो तो यहां पर यह हो जाएगा थर्टी थ्री प्लस फोर्टीन दैट मीन्स इट विल बी फोर्टी सेवन फिर जेड की वैल्यू बी पे निकालो यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों तो ये बनेगा जीरो प्लस ट्वेंटी वन यानी ट्वेंटी वन ही आएगा फिर Z की वैल्यू C पे निकालेंगे अगेन जीरो प्लस थर्टी फाइव यानी ये हो जाएगा थर्टी फाइव तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू यानी ऑप्शन ए को यहां पर मार्क करो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना सबसे छोटा कौन सा है तो ट्वेंटी वन है जेड की मिनिमम वैल्यू जैसा कि आपको ही रहा होगा ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर है इसमें हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना होगा बच्चों ध्यान से देखना यहां पर अगर न्यूमरेटर में थ्री की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो तो क्या डिनोमिनेटर इस तरीके से मॉडिफाई होगा चेक करके देखो ठीक है फर्दर अगर मैं आपसे कहूं कि डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको अब यहां से थ्री की पावर एक्स को अगर मैं टी पुट करूँ तो आपको मिलेगा थ्री की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी अपॉन लॉग थ्री समझे तो यहां पर लॉग थ्री यहां पर हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन यानी वन अपॉन लॉग थ्री टेन इनवर्स टी प्लस में सी टी की वैल्यू पुट कर दो यानी फाइनली आंसर आएगा वन अपॉन लॉग थ्री टेन इनवर्स ऑफ टी यानी टेन इनवर्स ऑफ थ्री टू दी पावर एक्स प्लस यानी ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड ट्वेंटी को लेते हैं जो कि असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन कैसे करना होता है इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि यहां पर हमने लिखी हुई है यानी ऑप्शन ए को आप कब मार्क करेंगे यहां पर पढ़ के देखो ऑप्शन बी को कब मार्क करोगे ऑप्शन सी को कब मार्क करोगे और ऑप्शन डी को कब मार्क करोगे आई होप आप लोगों ने असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसके लेक्चर्स को देखा होगा अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चन का प्ले का लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सॉल्यूशन यहां पर असरसन में हमें यह स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन में हमें यह स्टेटमेंट दे रखा है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये तो एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की और ये बिल्कुल सही है यानी रीजन इज ट्रू ठीक है बच्चों अब जरा असरसन को देखते हैं यहां पर एक इंटीग्रल है जिसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिस तरीके से दिख रहे होंगे तो मेरे ख्याल में आप लोग सोच रहे होंगे कि गिवन फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ये ऑड फंक्शन है ये रहा आपका फंक्शन यानी ध्यान से देखते रहना मैं किस तरीके से लिख रहा हूं ये आपका फंक्शन है इसको मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया अब क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि यह फंक्शन इवन है या ऑड तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे अपने फंक्शन में ध्यान से देखते रहना किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स आपको डालना है बच्चों ठीक है अब सुनो टेन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस और इसकी पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी एक ऑड नंबर है यानी ये आपको इस तरीके से मिलेगा माइनस एक्स की पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है जो कि इवन नंबर है मतलब ये तो एक्स की पावर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ही रहेगा साइन ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स बनेगा मतलब पूरे में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमें इस तरीके से कंडीशन मिलती हुई दिखाई देगी इसका मतलब आपका जो फंक्शन एफ है ये इवन है या ऑड है तो ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर असरसन का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है प्रॉपर्टी की हेल्प से कौन सी वाली प्रॉपर्टी बच्चों वेल स्क्रीन पर देखो ध्यान से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह सकते हैं कि यहां पर असरसन भी ट्रू है समझे बच्चों अब मजे की बात सुनना असरसन तो ट्रू है रीजन भी ट्रू है लेकिन रीजन वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो असरसन वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है दैट ऑप्शन बी में पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा हुआ है बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी ऑप्शन बी विल बी मार्क्ड एज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यहां पर असरसन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है फिर डी वाई अपॉन डी एक्स भी दे रखा है रीजन में हमें ये सब दे रखा है वेल बच्चों ध्यान से देखना यहां पर रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ना ये तो फॉल्स हो गया अब सुनो ध्यान से अब इससे पहले कि आप असरसन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जाएं एक बात पे फोकस करना क्योंकि इन दोनों में से यानी असरसन और रीजन में से एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है तो दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है अगर असरसन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो यहां पर हम किसे सही कहते हैं हम यहां पर ऑप्शन सी को सही कहते हैं मैं आपको दिखा के लाता हूं ध्यान से देखो असरसन ट्रू रीजन फॉल्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर असरसन फॉल्स होता और रीजन ट्रू होता तो हम ऑप्शन डी को मार्क करते हैं यानी असरसन या रीजन में से कोई सा भी एक अगर फॉल्स हुआ ना तो बस हमारा काम काफी आसान हो जाता है तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए हमें ऑप्शन सी को मार्क करना है एज द करेक्ट ऑप्शन लेकिन अगर असरसन को मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ध्यान से देखना एक्स की जो वैल्यू दे रखी है ना अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये टू टेन इनवर्स टी बन जाएगा ऐसे ही वाई की वैल्यू भी आप लोग लिख पाएंगे टू टेन इनवर्स टी के इक्वल यहाँ से y इक्वल टू एक्स आएगा दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वन आएगी यानी मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर असरसन विल बी ट्रू असरसन ट्रू रीजन फॉल्स तो ऑप्शन सी को हमने करेक्ट आंसर के रूप में पहले ही डिक्लेयर कर दिया है तो इसी के साथ हम लोगों ने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है अब टू मार्कर क्वेश्चंस की बारी है तो यहां पर टू मार्कर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से स्टार्ट हो गया है हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसका तो यहां पर हम किस तरीके से करेंगे बच्चों सबसे पहली बात आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर डायरेक्ट आंसर थ्री पाई बाई फाइव नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर एंगल एक्स इस इंटरवल में होना चाहिए तो हमारे क्वेश्चन में जो एंगल है ना यानी थ्री पाई अपॉन क्या ये इस इंटरवल में है सोच के देखो इस इंटरवल से बाहर है बच्चों तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरीके से करना है चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर टेन थ्री पाई बाई फाइव में जो एंगल है ना अगर मैं इसे ऐसे लिखूं ध्यान से देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसके बाद इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ -10 2 पाई अपॉन 5 इस नेगेटिव को तो आप बाहर निकाल दो यानी आपको मिलेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10 2 पाई अपॉन 5 यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा minus -2 अपॉन 5 अब जो एंगल आपको फाइनल आंसर के रूप में मिला यानी -2 पाई अपॉन 5 क्या वो इस इंटरवल में है या नहीं चेक करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना ठीक है इसी के साथ क्वेश्चन ट्वेंटी वन भी गया इसका अल्टरनेटिव भी है चलो इसको भी देख लेते हैं तो इसमें हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है किसी रिलेशन के लिए यह रहा आपका रिलेशन ये रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी आर पर डिफाइंड है यहाँ पर ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैं एज्यूम कर लूंगा ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स ठीक है बच्चों अब यहां पर फर्दर मैं एज्यूम करूंगा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन आर तो यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन सी अब ध्यान से सुनना अगर बी सी से बड़ा है लेकिन ए बी से बड़ा है तो ए तो सी से भी बड़ा हो गया ना बच्चो तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि ए कॉमा सी वाला जो पेयर है वो रिलेशन में होगा तो बस यहां पर जो आपका रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा और यही चेक करने के लिए इसने बोला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के अल्टरनेटिव में तो इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को देखते हैं जो कि डिफ्रेंशिएशन के ऊपर है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस पावर को ध्यान से देखना क्या यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सोच के देखो और कमेंट करके बताओ मुझे फिलहाल मैं यहाँ पर डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूँ y का डिफ्रेंशिएशन यानी y या dy अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो यहाँ पर मैं तो करूँगा चेन रूल से फिलहाल आप सोच के बताना कि ये प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने साइड में लिखी है ठीक है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ चेन रूल की हेल्प से तो हमको इस तरीके से मिलेगा ठीक है बच्चों इसके बाद हम लॉग का डेरिवेटिव करेंगे यानी वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स का वन वन अपॉन टू तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टू एक्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस यहां पर टू और टू कैंसल होगा एलसीएम लोगे तो फाइनली आपको मिलेगा वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल्स टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अब जैसा कि आप लोग अपने क्वेश्चन में भी डबल डेरिवेटिव देख पा रहे होंगे मतलब यहां पर हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में तो एल एच एस में लगेगा प्रोडक्ट रोल ऑफ डेरिवेटिव ध्यान से देखो बच्चों मैं किस तरीके से कर रहा हूं ठीक है तो ये आपको ऐसा मिलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी टू एक्स अब यहां आर एच एस में डेरिवेटिव कैसे करेंगे सो टू बाहर लॉग का करोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाला सेम यहां पर भी लगेगा चेन रोल तो x का वन और ये अंडर रूट वाले का वन अपॉन टू अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स यानी इस तरीके से आपको मिलेगा अब इस अंडर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे यानी टू और टू को कैंसिल करेंगे एलसीएम लोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला भी कैंसिल हो जाएगा कहने का मतलब फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा ध्यान से देखो बच्चों आपको फाइनली इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा यानी आर एच एस में टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर जैसे ही फर्दर आप एल्सियम लेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू अब यहाँ से एक स्टेप और हमें लिखना पड़ेगा यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरीवेटिव और टू को आप एल में ले आओ ताकि आर में आ जाए जीरो बस यही तो आपको प्रूव करना है अपने क्वेश्चन में ध्यान से देख लो ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है यहां पर हमसे वेक्टर एंड कर्टिजन दोनों इक्वेशन पूछा हुआ है एक लाइन के लिए जो कि इस पॉइंट से पास करेगा और पैरल होगा इस लाइन के इस लाइन का सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन रेशोस लिखूंगा इसके लिए मुझे इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा यानी एक्स वाई और जेड के कॉफिशियंट को वन बनाएंगे तो यहां पर तो एक्स का कॉफिशियंट वन है यहां पर ये यह मिडिल वाले में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टू से डिवाइड कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा फिर ये लास्ट वाले में अगर आप न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा मतलब आपको डायरेक्शन रेशोस तो मिल गए द डी आरस आर गिवन एज वन टू माइनस वन तो डी आरस का काम तो हो गया अब क्योंकि हमें पता है कि द डायरेक्शन रेशोज ऑफ पैरल लाइन्स द डायरेक्शन रेशोज ऑफ पैरल लाइन्स आर प्रपोशनल ये बात तो हमको पता है ठीक है ना तो बस इसी बात का हम फायदा उठाकर कर्टिजन इक्वेशन तो लिख लेंगे टिजन इक्वेशन जो कि पास कहां से कर रहा है इस पॉइंट से तो x माइनस वन फिर यहां पर y माइनस टू फिर z माइनस ऑफ माइनस थ्री यानी z प्लस थ्री और नीचे हो जाएगा वन टू माइनस वन और वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों तो वेक्टर इक्वेशन यानी वेक्टर r इक्वल्स जो आपका पॉइंट है यानी i कैप टू जे कैप माइनस थ्री के कैप प्लस लेमडा टाइम्स यहां पर डी की हेल्प से जो वेक्टर बनेगा यानी आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप तो बस जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का भी आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर जो कि वेक्टर एल्जेब्रा में से है यहां पर एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दे रखा है और ये दोनों किसी पैलेलोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं पैरल टू बोथ डायगनल्स ऑफ द दे पेलेलोग्राम देखो बच्चों अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी भी पैलेलोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं तो यहाँ पर पहला डायगनल जब आप लिखोगे तो इसे आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कह सकते हो दूसरा डायगनल लिखोगे तो इसे या तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखो या फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखो समझे सारा खेल डायरेक्शन का है जो कि सेकंड वाले डायगनल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपके फर्दर इलिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है बच्चों तो ये जो डायगनल है यानी डायगनल डी वन इसे हमें लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो यानी ये वाला डायगनल समझे बच्चों लेकिन जैसे ही ये वाला डायगनल आप लेकर आएंगे जिसको मैं डायगनल डी टू बोल रहा हूँ तो इसमें सारा खेल डायरेक्शन का है देखो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिया तो यहां पर क्या आएगा और अगर डायरेक्शन इसका मैंने ऐसे दिया होता तो फिर क्या आएगा सोच के देखना कि b- माइनस ए आएगा या फिर a- माइनस बी आएगा डायगनल d2 की बात कर रहा हूं हम तो यहां पर दोनों में से कोई सा भी एक लेके अपना काम कर लेंगे तो फिलहाल डायगनल d1 को लिख लेते हैं तो यहां पर दोनों वेक्टर को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये बन रहा है थ्री आई कैप यहां पर आ जाएगा सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप अब यहां पर बेसिकली मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं बी माइनस ए यानी यहां पर डायगनल डी टू क्या बी माइनस ए यानी ये आई कैप हो जाएगा प्लस में टू जे कैप माइनस एट के कैप ठीक है अब यहां से इन दोनों ही डायगनल वाले वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे यानी डी वन का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो अंडर रूट में नाइन प्लस थर्टी सिक्स प्लस में फोर यानी फोर्टी नाइन का रूट यानी सेवन आएगा फिर D2 वाले वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो अंडर रूट में वन ये आपका फोर प्लस में सिक्सटी फोर यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 69, नाइन ठीक है बच्चों? तो हमें तो यूनिट वेक्टर लिखना है तो D1 कैप कैसे आएगा थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन में सेवन और यहां पर D2 वाला जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे आएगा सो इट विल बी आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस एट के कैप ओवर अंडर रूट ऑफ 69. ठीक है बच्चों? वैसे अगर आपने सेकंड डायगनल का डायरेक्शन ऐसे लिया होता कि डी टू को आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिख रहे होते तो फिर आपके आंसर पे क्या फर्क पड़ता सोच समझ के बताना ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं इसमें एक अल्टरनेटिव भी है उसको भी देख लेते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हमसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में ये बताया गया है कि ये यूनिट वेक्टर हैं यानी इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन है और फिर बोल रहा है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू तो दिस वेक्टर फर्दर दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू तो दिस वेक्टर तो आपको एंगल थीटा निकालना है दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से देखना क्या हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ लेंगे तो ये जीरो आएगा कह तो सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रपेंडिकुलर बोला हुआ है अब जैसे ही तुम डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है ध्यान से देखो बच्चों यहां पर ऐसे मिलेगा फिर माइनस फाइव ए डॉट बी प्लस ट्वेंटी वन ए डॉट बी बी डॉट ए भी कर सकते हो लेकिन वो ए डॉट बी ही हो जाएगा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ठीक है अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा माइनस फिफ्टीन वैक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नाउ दैट इज इक्वल टू जीरो समझे बच्चों अब यहां पर फर्दर हम क्या लिखेंगे सेवन इंटू वन समझेगी नहीं और ये आपका ट्वेंटी वन माइनस फाइव यानी प्लस का सिक्सटीन और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसे अब मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे यहां पर थीटा बोला गया है ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है क्या होता है समझे कि नहीं ठीक है अच्छा फिर यहां पर यह है माइनस फिफ्टीन इंटू वन स्क्वायर यानी वन ही रहेगा नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू जीरो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन इंटू वन इंटू थीटा फिफ्टीन माइनस सेवन यानी एट अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा 8 16 आएगा यानी टू दैट थीटा विल बी पाई अपॉन थ्री तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों ठीक है अब आगे चलते हैं सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों ये कौन सा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक तो यहां पर हमसे इंटरवल पूछा हुआ है इस फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए तो फंक्शन का सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लो जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे ये बनेगा फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर तो यहां पर आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स एक बार देखो ध्यान से मेरी बात समझ में आई या नहीं ठीक है बच्चों अब यहां पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको तो जैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये तीन फैक्टर बन जाएंगे यानी डेरिवेटिव का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आपको मिल चुका है अब हम लोग डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखकर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर इस पूरे को हम जीरो के इक्वल जैसे ही रखेंगे हमें एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे बच्चों ध्यान से देखो यहां से आपको एक्स वन मिलेगा टू मिलेगा और थ्री मिलेगा नंबर लाइन पे इन सब को प्लॉट करो यहाँ वन यहाँ टू यहाँ थ्री कोर्स यहां प्लस इन्फिनिटी और यहां माइनस इन्फिनिटी आप चाहो तो लिख सकते हो ठीक है बच्चों अब यहां पर थ्री से लेकर इंफिनिटी वाले इंटरवल में से मैं कोई सा भी नंबर अगर लेकर अपने डेरिवेटिव में डालकर चेक करूं कि डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह फोर ले लो तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मतलब यहां डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा यहां से अगर आपने 2.5 लिया एक्स की जगह पर तो ये तो पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा कहने का मतलब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा यहां से आपने अगर एक्स की जगह वन लिया वन लिया कोई सा भी नंबर इस इंटरवल में से ले सकते हो तो ये पॉजिटिव आएगा चेक करके देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव यानी डेरिवेटिव का साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा यहाँ से आप एक्स की जगह सपोज जीरो ले लो मतलब ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव यानी यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा ठीक है बच्चों आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है आपको सिर्फ डेरिवेटिव का साइन पता करना होता है इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव कहां पर है बच्चों कौन से इंटरवल में है इन द यूनियन थ्री कोमा इंफिनिटी तो इस वाले इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है मतलब इसी इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा समझे बच्चों अब इसी तरीके से हम लोग यहां पर लिखेंगे कि डेरिवेटिव का साइन लेस देन और इक्वल टू जीरो समझे या नहीं तो डेरिवेटिव जहां पर भी नेगेटिव होगा उसी इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा आपका फंक्शन उसी इंटरवल में डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा डिक्रीजिंग इन दिस सेम इंटरवल ठीक है इंक्रीजिंग वाले इंटरवल को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा है आई होप उसे आप लोग अपने आप लिख लेंगे ठीक है ना बच्चों तो इस तरीके से सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ ये रहा बच्चों सेक्शन सी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन लेकर आ गया है आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर थ्री मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे इसको हम री कर लेते हैं तो री करने के लिए मैं दोनों ही तरफ अगर वाई डी से डिवाइड कर दूं ये बनेगा डीएक्स अपॉन डी वाई वाई डीवाई से डिवाइड करा है ध्यान रखना तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा x अपॉन वाई प्लस टू वाई, वाई इस तरीके से आप जैसे ही इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा एक बार चेक करके देखो ठीक है बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में अब जिस तरीके से मैंने आपके लिए लिख दिया है तो यहां से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ यहां पर टॉप में देखिए मैं आपके लिए फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स इसे लिखकर भी दिखा रहा हूं तो यहां पर कंपैरिजन करते हुए आपको पी ऑफ वाई की वैल्यू भी मिलेगी और क्यू ऑफ वाई की वैल्यू भी मिलेगी तो बस इंटीग्रेशन फैक्टर आप आराम से लिख लेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे आएगा बच्चों so विल बी ई e to पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वाई डी वाई यानी ई the power माइनस लॉग वाई अब यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं यानी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया वाई की पावर माइनस वन जिसे आप वन अपॉन वाई भी लिख सकते हैं ठीक है बच्चो तो अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स क्यू ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ डी वाई प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों योर फाइनल आंसर इज दिस जिसे आप सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जो कि डिफ्रेंशिएशन के ऊपर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आई होप आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया होगा तो यहां पर यह कंडीशन दे रखी है हमें ये प्रूव करना है फिर इसकी वैल्यू भी निकालनी है इसमें दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो जैसे ही आप लॉग लोगे ना तो यहां पर लॉग एक्स की पावर थ्री इन वाई की पावर ट्वेल्व आर एच एस में लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर में फिफ्टीन यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा एक बार ध्यान से देखो बच्चों ठीक है अब यहां पर डेरिवेटिव शुरू कर दो यानी थ्री इंटू वन अपॉन एक्स यानी थ्री अपॉन एक्स प्लस ट्वेल्व इंटू वन अपॉन वाई यानी ऐसे लिखो और चेन रूल से y का भी डेरिवेटिव होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स फिर आर एच एस में फिफ्टीन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई यानी मैंने ऐसे लिखा x का वन और y का हो जाएगा dy वाई अपॉन डी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 15 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी अब इसके बाद dy वाई अपॉन डी वालों को एक तरफ लेकर जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लो एक बार देखो ध्यान से मैंने कॉमन भी ले लिया है तो यहां पर फर्दर बचेगा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस थ्री अपॉन एक्स यानी इसको भी मैंने उस साइड भेज दिया आर एच एस में एक बार चेक करो बच्चों ठीक है ना अब यहां पर जैसे ही आप एलसीएम लेंगे फिफ्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स यानी ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई यानी आप इसे ऐसे लिखो एल एच एस में जब आप एल लेंगे तो ये क्या मिलेगा ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फिफ्टीन वाई यानी माइनस थ्री वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई ध्यान से देखो बच्चों एक्स प्लस वाई भी कटेगा न्यूमरेटर वाला भी कटेगा जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगी ठीक है बच्चों तो ये तो प्रूव करने के लिए बोला था हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर टॉप में आपने देख ही लिया होगा ठीक है अब इसके बाद डबल डेरिवेटिव भी निकालना है तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले यानी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स वाई अब एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो X y Dx2 dy Dx, X 1, आर y का X के में जीरो ध्यान से देखो तो फाइनली आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू भी जीरो ही आ गई ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के लिए ठीक है बच्चों अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है तो चलो इसे भी देख लेते हैं यहां पर हमें वाई इक्वल कॉट इनवर्स ऑफ ये फंक्शन दिया हुआ है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सबूशन मेथड की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे मैंने x को tan थीटा पुट कर दिया तो यहां पर y क्या बन जाएगा ध्यान से देखना cot इनवर्स वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा ठीक है बच्चों ये ब्रैकेट में जो भी आपको दिख रहा है क्या इसे हम टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको यही मिलेगा क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है ठीक है बच्चों अब इसके बाद अगर मैं इसे लिखूं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमने फॉर्मूला यूज किया टेन इनवर्स एक्स प्लस Inverse x equal to pi by 2. ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा दैट मीन्स वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स यहां पर जो आपने सब्सिट्यूट किया था बस अब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो ट है जीरो हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क् आपका आंसर ये रहा बच्चों ठीक है ना तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को देखते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट कौन से टॉपिक का है तो यहां पर जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे बच्चों ये रेट ऑफ चेंज का है यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या बोला हुआ है बच्चों सेंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट दिस रेट यानी आपको डी वी अपॉन डी टी दे रखा है अगर वॉल्यूम को मैं वी से रिप्रेजेंट कर दू ठीक है ये तो आपको इन्होंने डाटा दे रखा है सबसे पहले द फॉलिंग सेंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन अगर हाइट को मैं एच मानो इट इज ऑलवेज वन सिक्स ऑफ इट्स रेडियस रेडियस को आर मान लो यानी आर इक्वल्स सिक्स एच ये भी आपको दे रखा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है अगर हाइट की वैल्यू ये है फिर बोला हुआ है अगर रेडियस ये होगा टू सेंटीमीटर तो आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑल्सो यानी डी आर अपॉन डी टी भी निकालना है ध्यान से सुनना वॉल्यूम ऑफ द सैंड कोन यानी वन बाई थ्री पाई आर स्कवायर एच ठीक है तो सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालेंगे तो यहां पर h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर लिखें या आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिखें सोच के देखो आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिखनी पड़ेगी हमें ठीक है बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे यहां पर ये यह 36 आएगा मतलब नीचे थ्री तो दिख रहा होगा आपको यानी ये बन जाएगा ट्वेल्व पाई एच क्यूब चेक करके देखो मेरी बात समझ में आई या नहीं ठीक है अब यहां से हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे ही डेरिवेटिव करोगे डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर ये ट्वेल्व पाई तो पहले से ही है ये बनेगा थ्री एच स्क्वेर इंटू डी एच अपॉन डी टी अब तुम्हें डी वी अपॉन डी टी पहले से ही पता है यहां पर देखो सबसे पहले मैंने वही लिखा था यानी इसकी वैल्यू पुट करो उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा वन अपॉन पाई इंटू थ्री एच चेक करके देखो मेरी बात समझ में आई या नहीं ठीक है अब इसके बाद ये तो मिला डी एच अपॉन डी टी आपको निकालना था डीएच अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जब हाइट क्या हो फोर सेंटीमीटर के इक्वल हो तो यहां पर h की जगह आप फोर पुट कर दो तो जैसे ही h की वैल्यू आप पुट करेंगे फोर सेंटीमीटर तो आपको मिलेगा वन अपॉन थ्री पाई एच स्क्वायर यानी फोर स्क्वायर एक सेकेंड एच की जगह फोर रखना था हमें तो यहाँ पर हमने रखा फोर स्क्वायर जो कि सिक्सटीन हो जाएगा यानी फाइनली आपका आंसर आएगा सिक्सटीन और ये थ्री पाई यानी वन अपॉइंट फोर्टी एट पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है बच्चों तो ये तो आपको आंसर मिल गया जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा हुआ है उस चीज का अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी तो पूछा था तो अब सुनना ध्यान से आप लोगों ने v क्या लिखा था बच्चों आप लोगों ने v लिखा था यानी वॉल्यूम पाई बाई थ्री आर स्कवाच अब हम लोग h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r रखेंगे तो यह है पाई बाई थ्री आर स्क्वाच की जगह हम रखेंगे r बाई सिक्स तो ये हमें क्या मिलेगा पाई अपॉन एटीन और ये आर क्यूब अब यहां पर जैसे ही t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे डी वी अपॉन डी टी यहां पर यह हो जाएगा थ्री आर स्क्वा थ्री आर स्क्वायर यानी पाई अपॉन सिक्स आर स्क्वा और डी आर अपॉन डी टी अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो यानी डी वी अपॉन डी टी की जगह ट्वेल्व क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड तो यह बनेगा आपका सेवनटी टू अपॉन पाई आर स्क्वायर नाउ दैट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कब निकालना है जब रेडियस टू सेंटीमीटर हो क्वेश्चन में देखो टॉप में मैंने अंडरलाइन जस्ट अभी किया है ठीक है तो यहां पर हम रेडियस की जगह टू सेंटीमीटर पुट कर देंगे सो डी आर अपॉन डी टी वेन रेडियस इक्वल्स टू सेंटीमीटर सेवेंटी टू अपॉन पाई यहां पर टू का स्क्वायर यानी फोर हो जाएगा यानी एटीन अपॉन पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का भी अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो कि इंटीग्रेशन का है तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर है यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो मॉडुलस फंक्शन है अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दिख रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर थ्री आएगा चेक करके देखो यानी हम लिमिट्स को ब्रेक करेंगे तो ऐसे होगा ये ठीक है बच्चों अब यहां पर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान से देखना बच्चों अगर एक्स के ऊपर ये इंटरवल है तो यहां से आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट नाइन अब ये जो वैल्यू मैंने ली इसे आप मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री में एक्स की जगह डाल के देखो आपको पता चलेगा कि मॉड के अंदर आपको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो बस मॉड के साइन को हटाओ और बाहर एक माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिखो तो आपको ये थ्री माइनस एक्स यहां पर मिलता हुआ दिखेगा ठीक है फिर अगला इंटरवल क्या है बच्चों अगला इंटरवल यानी इस वाले इंटीग्रल में देखो अगला इंटरवल इस तरीके से है यहां से आप एक्स की वैल्यू ले लो फॉर एग्जाम्पल थ्री पॉइंट वन फोर ले लो कुछ भी ले लो अब इसे आप यहां पर पुट करेंगे ना तो मॉड के अंदर पॉजिटिव मिलेगा तो बस मॉड के साइन को आप एज इट इज हटा दोगे तो मतलब यहां पर आपको फंक्शन ऐसा मिलेगा ठीक है अब इसे इंटीग्रेट करना तो बच्चों का काम है ना यहां पर 3 x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहां नीचे आ जाओ बच्चों तो यहां पर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये बनेगा 3 x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और 3 x जो कि लीनियर है उसका डेरिवेटिव -1 आएगा उससे डिवाइड भी करेंगे और पूरे पे हमने ये लिमिट लगा दिया ठीक है अगले वाले में आ जाओ x 3 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉनमेटो और यहां पर वन से डिवाइड भी होगा और ये रहा लिमिट ठीक है अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इंटीग्रेशन करते हुए इस फर्स्ट वाले इंटीग्रल में थ्री एक्स माइनस एक्सक्वा फिर इसमें एक्सक्वायर बाई टू माइनस थ्री एक्स क्यों नहीं लिखा वेल ऐसा लिख तो सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन जो काम मैंने किया है वो क्या किया है ध्यान से देखो अगर आप एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चों तो इसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो एक्स प्लस बी का होल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता लेकिन क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का केस है तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां लगाया ही नहीं था इसमें भी नहीं लगाया था ऐसा करने से यानी जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया ऐसा करने से आपका काम आसान हो जाता है कैलकुलेशन वर्क ईजी हो जाता है यहां पर आप डिनोमिनेटर में से माइनस टू को बाहर निकालिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो आएगा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फाइव का स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव बनता हुआ दिखेगा इसी तरीके से अगले में भी वन बाय टू बाहर करो अपर लिमिट डालोगे तो टू का स्क्वायर यानी फोर लोअर लिमिट पे जीरो आएगा यानी ट्वेंटी फाइव बाई टू प्लस फोर बाई टू यानी ट्वेंटी नाइन बाय टू विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें एक अल्टरनेटिव भी है बच्चों ये रहा तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों सबसे पहले अपने इंटीग्रल को आप आई मान लो यहाँ पर लिमिट्स पे फोकस करना लिमिट्स को देखते हुए कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये फंक्शन इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से पहले वेरीफाई किया जाएगा और प्रॉपर्टी की हेल्प से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा देखो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ नहीं लगेगी आप चेक करके देख लो ये फंक्शन इवन फंक्शन भी नहीं बनेगा ऑड फंक्शन भी नहीं बनेगा तो हम कैसे करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी तो हम लगाएंगे लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान से देखना माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अब मैं इसे लिखूंगा ए प्लस बी माइनस एक्स समझे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स तो है ही प्रॉपर्टी अगर आप समझें तो बढ़िया वरना स्क्रीन पे अभी देखो ध्यान से ठीक है ना तो बस इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहां पर हम काम कर रहे हैं यहां पर आपका इंटीग्रल क्या बनेगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स से लिख लो और ये बनेगा वन प्लस टू की पावर माइनस एक्स यहां पर डी है यहां पर फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा टू की पावर एक्स इन स्क्वायर एक्स डी अपॉन वन प्लस की पावर एक्स इसे सेकेंड इक्वेशन बोलो आप लोग यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आपको मिलेगा टू आई इक्वल्स माइनस पाई से पाई और ये अब बन जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स एक बार चेक करके देखो अब यहां पर अगर आप फंक्शन एफ एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लोगे तो ये फंक्शन आपका ई वन फंक्शन जरूर बनेगा आप चेक करके देख लेना बच्चों ठीक है ना ये आपका ई वन फंक्शन बन जाएगा तो अब अगर ये इवन फंक्शन है तो यहां पर हम इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें इंटीग्रेशन का डबल लोअर लिमिट जीरो पूरा टू आई की वैल्यू मिल रही है ध्यान रखना बच्चों ठीक है टू से टू कैंसिल हो जाएगा आपको आई मिलेगा यहां पर रहेगा जीरो से पाई कॉस स्क्वास अब कॉस स्क्र एक्स मतलब इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉनमेटो और ये रहा डी एक्स यहां पर वन बाई टू बाहर करो वन का इंटीग्रेशन एक्स कॉस्ट टू एक्स का हो जाएगा हाफ साइन टू एक्स लिमिट लगा दो जीरो से पाई जैसे ही अपर लिमिट लगाओगे तो यहां पर क्या बनेगा वन बाई टू को ध्यान रखना अपर लिमिट लगाओगे तो पाई प्लस हाफ साइन टू पाई मतलब जीरो हो जाएगा अपर लिमिट हो गया लोअर लिमिट लगाओगे तो जीरो ही मिलेगा मतलब फाइनल आंसर आपको मिलेगा पाई बाई टू तो, यानी इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थर्टी तो ये रहा क्वेश्चन थर्टी जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों इसको सॉल्व करते हैं इसमें क्या बोला हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ फिफ्टी स्काउट्स इन अ कैंप आपके पास फिफ्टी स्काउट्स हैं जिनमें से थर्टी आर वेल ट्रेंड इन द फर्स्ट एड टेक्निक्स वेल द रिमेनिंग ट्वेंटी रिमेनिंग का मतलब पचास माइनस तीस यानी रिमेनिंग ट्वेंटी स्कॉट आर वेल ट्रेंड इन द हॉस्पिटैलिटी बट नॉट इन द फर्स्ट एड टू स्कॉट आर सेलेक्टेड एट रेंडम इस बात को ध्यान रखना टू स्कॉट्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द ग्रुप आगे बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्काउट हु आर वेल ट्रेंड इन द फर्स्ट एड तो इसी को हम एक्स मानने वाले हैं है ना बच्चों जिसे मैंने अंडरलाइन किया इस पूरी स्टेटमेंट को आप एक्स मानोगे तो यहां से एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो दो ही स्कॉट्स को सिलेक्ट करने के लिए बोला गया था यहां पर देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ठीक है फिर बाद में हमसे मीन भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है जब यहां पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो निकालेंगे इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सिलेक्शन करेंगे वो इनमें से करेंगे समझे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा अब पर इसको करेंगे तो 0 और कैंसिल हो जाएगा टू फोर्टी फाइव ठीक है बच्चों अब इसके बाद जब x की वैल्यू वन होगी तो यहां पर एक स्कॉट 30 में से आएगा यानी 30 आउट ऑफ 50 इंटू अगला आएगा ट्वेंटी में से आउट ऑफ फोर्टी नाइन में से और इसके दो केस बनेंगे तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ये यह कैंसल हो जाएगा जीरो और जीरो मतलब क्या बचेगा ट्वेंटी इंटू सिक्स यानी वन ट्वेंटी अपॉन फोर्टी नाइन इंटू फाइव यानी ये हो जाएगा टू फोर्टी फाइव एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझ में आई या नहीं फिर इसके बाद जब एक्स की जगह हम टू लेंगे तो यहां पर हम लेंगे थर्टी आउट ऑफ फिफ्टी इंटू ट्वेंटी नाइन आउट ऑफ फोर्टी नाइन एक बार चेक करिए मेरी बात समझे या नहीं ठीक है अब इसको यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो और जीरो कैंसिल होगा ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री यानी एटी सेवन अपॉन टू फोर्टी फाइव आएगा एक बार ध्यान से देखिए ठीक है अब क्योंकि हमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा गया है ना तो यहां पर हम टेबल बना देंगे x ये रहा p ऑफ x ये रहा टेबल प्रॉपरली आप बना लेना यहां पर जीरो थर्टी एट अपॉन टू फोर्टी फाइव फिर जब वन होगा तो वन ट्वेंटी अपॉन टू फोर्टी फाइव फिर जब ये टू होगा तो ये है एटी सेवन अपॉन टू फोर्टी फाइव इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो वन आना चाहिए अगर वन नहीं आएगा तो आपने कुछ गलती कर रखी होगी चेक कर लेना ठीक है अब आपको मीन भी निकालना है तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स इंटू पी एक्स तो चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां पर जैसे ही हम काम शुरू करेंगे तो जीरो इंटू वड एवर इज जीरो आपका वन ट्वेंटी अपॉन टू फोर्टी फाइव ही रहेगा प्लस टू इंटू एटी सेवन अपॉन टू फोर्टी फाइव मतलब ये होने वाला है टू नाइनटी फोर अपॉन टू फोर्टी फाइव टू नाइन्टी फोर अपॉन टू फोर्टी फाइव ये आपका मीन हो जाएगा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्टी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया अब इसमें एक अल्टरनेटिव है उसको भी देखते हैं तो इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों टू फ्रेंड्स अनु एंड एंड भानु थ्रो अ अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स हेड द गेम फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ अनु स्टार्ट द गेम देखो अगर मैं इवेंट ई e का मतलब यह मान लूं कि गेटिंग हेड इवेंट ई का मतलब मान लूं कि गेटिंग हेड तो यहां पर ई e डैश का मतलब होगा नॉट गेटिंग अ हेड यानी गेटिंग अ टेल तो यहां पर पी ऑफ ई की वैल्यू तो वन बाय टू आएगी और पी ऑफ ई डैश की वैल्यू भी वन बाय टू आएगी इन दो बातों को मैंने पहले ही आपको बता दिया अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गेम को अनु ने स्टार्ट किया तो अगर हम अनु के जीतने का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो ये कैसे होगा ध्यान से सुनना बच्चों अगर गेम अनु ने स्टार्ट किया तो अनु या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत जाएगी अगर अनु फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जीतेगी तो फिर अनु को ही जितवाना है ना तो इसका मतलब सेकेंड अटेम्प्ट जो कि भानु का होगा वो नहीं जीतेगा तो थर्ड अटेम्प्ट फिर से अनु का आएगा तो इसका मतलब थर्ड अटेम्प्ट में अनु को जीतने का फिर से चांस मिलेगा अब अगर थर्ड अटेम्प्ट में अनु नहीं जीते तो फोर्थ अटेम्प्ट में भानु को भी नहीं जीतना चाहिए तब जाके फिफ्थ अटेम्प्ट फिर से अनु का आएगा जिसमें वो जीत सकती है तो इस तरीके से हमें यहां पर सारे केस लिखने होंगे दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अनु जीत जाए बात खत्म अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अनु ना जीते तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भानु को भी नहीं जीतना थर्ड अटेम्प्ट अनु का आएगा जिसमें उसको जीतने का चांस मिल सकता है लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर अनु नहीं जीतेगी तो फोर्थ अटेम्प्ट में भानु नहीं जीतेगा तो फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से अनु को जीतने का चांस मिलेगा कुछ समझे कि यहां पर अगला केस हम इस तरीके से लिखेंगे अनु फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जीती सेकेंड अटेम्प्ट में भानु नहीं जीतेगा थर्ड अटेम्प्ट में अनु नहीं फोर्थ अटेम्प्ट में भानु नहीं जीतेगा और फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से अनु को जीतने का चांस मिलेगा तो इस तरीके से यह सारा केस बनेगा यहां पर पी ऑफ ई की वैल्यू यानी वन बाय टू यहाँ पर पुट करेंगे तो यह बनेगा वन बाई टू का स्क्वायर इंटू वन बाय टू फिर यहां पर आएगा तो वन बाय टू की पावर में फोर एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर ठीक है इन टू में वन बाई टू एंड सो ऑन तो आप बेसिकली अगर इस फॉर्मूले को रिकॉल करें ये क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी तो अगर इस फॉर्मूले को रिकॉल करोगे तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे यहां पर a का मतलब वन बाय टू है और फिर r का मतलब है वन बाय टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर यानी हम लिखेंगे वन बाय टू अपॉन वन माइनस वन बाई फोर दैट मीन्स ये बनेगा टू बाय थ्री एक बार चेक करके देखो यानी अनु के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो टू बाय थ्री है बच्चों तो भानु के जीतने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे तो इसे फाइंड करने के लिए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस ये कर देंगे यानी वन माइनस टू बाई थ्री यानी वन बाई थ्री तो एक आंसर ये आ गया अनु के जीतने की प्रोबेबिलिटी और भानु के जीतने का प्रोबेबिलिटी यानी सेकेंड आंसर यहां पर है ठीक है बच्चों वैसे अगर भानो विंस द गेम ये मैं अलग से निकालना प्रेफर करता यानी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनो विंस इस तरीके से नहीं करता तो फिर क्या करते यहां पर किस तरीके से चेंजेस करना पड़ता मुझे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ भानो विंस निकालना प्रेफर करता विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक तो बताओ कैसे लिखेंगे यहां पर क्या चेंजेस होंगे समझे चलो मुझे कमेंट करके बताना अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं यानी LPP. तो यहां पर क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिख रहा है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट भी आपको दिख रहे हैं तो यहां पर इन सब का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा चलो ग्राफ बना लेते हैं बड़ा ही सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा देखते हैं जरा कैसे बनेगा यहां पर आप सबसे पहले वाई एक्सिस को प्लॉट कर दो फिर आप एक्स एक्सिस को भी प्लॉट करोगे ही ऑफकोर्स ये सारा काम ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना होगा आपको अपने फाइनल एग्जाम में ठीक है बच्चों अब यहां पर हम मार्किंग कर देते हैं यहां टू यहां फोर यहां सिक्स ठीक है फिर यहां पर टू यहां पर फोर यहां पर सिक्स इस तरीके से आप ले लो सबसे पहले इस इन को देखते हैं जिसका इक्वेशन अगर आप कंसीडर करोगे तो एक्स जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू टू आएगी चेक करके देखो वाई जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू फोर आएगी यानी सबसे पहले वाला तो आपको ऐसा मिलेगा कुछ बच्चों इसका नाम क्या है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर ठीक है अब जरा इसको देखते हैं इसमें एक्स को जीरो लेंगे तो वाई सिक्स आएगा वाई जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू टू मिलेगी यानी ये आपका कुछ ऐसे आएगा दैट मीन्स इट वॉज थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स अब इसको लेते हैं एक्स जीरो तो वाई फोर वाई जीरो तो एक्स फोर यानी वाला आपको कुछ ऐसा मिलेगा तो ये क्या है बच्चों दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू फोर ठीक है इन दोनों का मतलब क्या होता है इन दोनों का मतलब कि आपका जो शेडिंग होगा मतलब जो फिजिबल रीजन आप बनाओगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा अब यहाँ पर शेडिंग करेंगे तो इसका कंडीशन ट्रू आ रहा है जीरो कॉमा जीरो इस वाले इन में डाल के देख लो तो ये ट्रू बनेगा मतलब शेडिंग इसका ओरिजन की तरफ आएगा ये भी ट्रू बनाएगा तो ये भी शेडिंग ओरिजन की तरफ देगा ये भी ट्रू आएगा तो शेडिंग ये भी ओरिजन की तरफ ही देगा कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फिजिबल रीजन बन जाएगा ठीक है बच्चों अब यहाँ पर हम कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो सबसे पहले इसे मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ मतलब ये हो जाएगा जीरो कॉमा टू यहाँ पर इसे आप बी बोल दो तो ये बन जाएगा आपका टू कॉमा ज़ीरो और सी वाले को हमें निकालना पड़ेगा मतलब इसे हमें निकालना पड़ेगा इसे निकालने के लिए आप लोग सॉल्व कर लो थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स इसे सॉल्व करो किसके साथ x प्लस टू वाई इक्वल टू फोर के साथ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसे मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर माइनस करेंगे यानी फाइव एक्स और ये ट्वेल्व माइनस फोर यानी एट दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी एट अपॉन फाइव एक्स की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो टू आएगा फोर माइनस एट अपॉन फाइव यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन पाँच यानी सिक्स अपॉन फाइव ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम लेके जाएंगे अपने जेड में यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो यहाँ पर z की वैल्यू a पे निकालोगे तो ये टेन आएगा जेड की वैल्यू बी पे निकालोगे तो फोर आएगा z की वैल्यू c पे निकालोगे तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें यहां पर यह बनेगा सिक्सटीन अपॉइंट फाइव प्लस ये बनेगा अपॉइंट फाइव यानी यह हो जाएगा एक बार आप चेक करके देखो समझे बच्चों तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू ये है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज टेन विच इज ऑपटेन एट जीरो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का विच वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी अब सेक्शन डी की बारी है तो सेक्शन डी के क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में क्या बोला हुआ है ये रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है फंक्शन क्या दे रखा है आप देख पा रहे होंगे आपको बताना है कि ये वन वन है या नहीं क्या ये ऑन टू है आपको ये भी बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन वन को हम चेक करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन ठीक है अब यहां पर फर्दर मैं एज्यूम करूंगा कि लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने फंक्शन को देखना बच्चों आपके फंक्शन में ये हो जाएगा फाइव एक्स वन स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन

आपको एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आता हुआ दिखेगा अंदर मिलेगा फाइव टाइम्स टू में 6। Now, all that is equal to 0। ये वाला ब्रैकेट तो जीरो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कमेंट करके बताना मुझे फाइव टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सिक्स कैन नॉट बी जीरो जीरो क्यों नहीं हो सकता यही तो मैंने आपसे पूछा है कि कमेंट करके बताना तो यहां पर क्लियर सी बात ये हुई कि x1 वन माइनस ही जीरो होगा दैट मीन्स x1 वन इक्वल्स हमने माना था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स यानी आउटपुट इक्वल है तो हमने इनपुट भी इक्वल दिखा दिए इसका मतलब ये हुआ कि हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंक्शन f इज वन वन फंक्शन ठीक है अब इसके बाद ऑन टू भी है या नहीं ये फंक्शन चलिए चेक करके देखते हैं तो इसके लिए आपके फंक्शन एफ को हम y एज्यूम कर लेंगे वेयर y बिलोंग टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन को डोमेन आपके डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन में ही गिवन है यहां पर टॉप में आप देख पा रहे होंगे ठीक है बच्चों, इसका मतलब y क्या आ गया y इज फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन ओके अब यहां पर मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा ध्यान से देखना बच्चों, मैं फाइव से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है ठीक है अब फाइव से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करोगे यानी इस तरीके से लिख लो अब यहां से मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर को आप लिखो फाइव एक्स स्क्वायर फिर टू इंटू फाइव एक्स इंटू में थ्री प्लस में थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव यानी माइनस नाइन माइनस फोर्टी फाइव यानी माइनस फिफ्टी फोर आएगा और पूरे के नीचे है फाइव यानी ये बन जाएगा आपके लिए फाइव एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फिफ्टी फोर अपॉन में फाइव ध्यान से देखना कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं बच्चों अब यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा फाइव वाई प्लस में फिफ्टी फोर नाउ दैट विल बी इक्वल टू फाइव एक्स प्लस में थ्री का होल स्क्वायर तो यहां से फाइव एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ फाइव वाई प्लस फिफ्टी फोर ये प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे कमेंट करके बताना मुझे यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ फाइव वाई प्लस फिफ्टी फोर माइनस थ्री अपॉन मे फाइव दिलोंग टू दिन ऑफ द बिलोंगिंग टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन समझे आपको मैं अभी दिखा के लाता हूं आपके डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन में यानी क्वेश्चन में कि इसका डोमेन क्या था यहां पर आप देख लो ठीक है ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेंज और को डोमेन इक्वल होंगे अब अगर ऐसा होगा तो फिर आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होगा समझे बच्चों यानी फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन यही तो प्रूव करना था अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है तो अल्टरनेटिव अगले पेज पे है यहाँ पर देखते हैं ये रिलेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है रिलेशन का डेफिनेशन भी है आपके पास हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है फिर आगे भी कुछ चीजें हमें दे रखी हैं सबसे पहले यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करने वाले हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं ध्यान से सुनना ए माइनस ए यानी जीरो का मॉडुलस यानी जीरो अब ये जो रिजल्ट हमें मिला यानी जीरो क्या ये फोर से डिवाइड होगा तो हम तो लिखने वाले हैं ध्यान से देखो विच इज डिविजल बाय फोर सो दैट मीन्स वे ए कोमा ए विल बिलोंग टू द रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड ठीक है बच्चो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर क्या हुआ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब इसके बाद हम इसका सिमिट्री भी चेक करेंगे तो सिमिट्री कैसे चेक करोगे मैं मान लेता हूं कि ए कॉमा बी वाला जो पेयर है ये आपके रिलेशन में है दैट मीन्स मोडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजल बाय फोर ठीक है जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज डिविजल बाय फोर ऑल्सो दैट मीन्स की बी कॉमा ए वाला पेयर भी रिलेशन में है तो बस आपका रिलेशन यहां पर सिमेट्रिक भी हो जाएगा समझे बच्चों तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है अब ट्रांजिटिविटी को भी चेक कर लेते हैं तो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे बच्चों ध्यान से देखना मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूंगा a, b वाला पेयर रिलेशन में और b, c वाला पेयर भी रिलेशन में फॉर ऑल a, b, c बिलोंगिंग टू द सेट a अब डेफिनेशन के हिसाब से मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ये भी फोर से डिवाइड होगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी ये भी फोर से डिवाइड होगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे ही मॉडुलस को हम हटाएंगे तो ए माइनस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस फोर एम और बी माइनस सी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस फोर एन इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे यानी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी तो बी तो कटेगा आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा ध्यान से देख लो बच्चों ठीक है अब इसे फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं ध्यान से देखिए और समझिए तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फोर ठीक है इसका मतलब ए कोमा सी वाला जो पेयर है ये भी रिलेशन में है तो बस आपका रिलेशन भी भी हो गया। गया अब relation आपका reflexive है, symmetric है है। है। है? तो 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 बस यहां से ये ये आ गया कि relation equivalence relation भी है। तो ये तो हमें इस question में करने के लिए बोला हुआ था, ठीक इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी पूछी गई हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास फॉर टू तो यहां पर सबसे पहले आप सेट ए को एनालाइज करो सेट ए में एक्स एक एलिमेंट होगा जो कि इंटीजर है और यह एलिमेंट एक्स इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा सो दैट मीन्स अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स यहां पर लिखना शुरू कर दूं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व अब आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है आपको ये बताना है कि वन वाला जो एलिमेंट है वो किसके साथ में रिलेट होगा अंडर द रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए समझे तो यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से हमको तो पता है कि मॉडुलस ऑफ वन माइनस एक्स ये डिविजिबल होना चाहिए फोर से समझे कि नहीं तो यहां पर आप एक्स की वैल्यू देख लो क्या क्या हो सकती है अगर मॉडुलस ऑफ वन माइनस एक्स को फोर से डिवाइड होना है तो एक्स की वैल्यू या तो वन होगी या फाइव या फिर नाइन तो यहां पर इन्हीं का हमें सेट बनाना है तो बस मैंने सेट की फॉर्म में इसको लिख दिया तो यहां पर आपका आंसर तो आ चुका है कि उन एलिमेंट्स का सेट क्या होगा जो कि वन से रिलेटेड होंगे तो ये रहा जी आपका सेट अब आपको क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना है यानी ये भी आपको निकालना है तो यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट टू कोमा वाई बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू सेट ए अगेन बाय द डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ टू माइनस वाई ये आपका फोर से डिविजिबल होना चाहिए तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है या तो टू आएगी या फिर टेन आएगी तो बस आपका इक्विवेलेंस क्लास भी तैयार हो गया टू के लिए यानी यहां पर इस तरीके से आप लिख दोगे तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन का ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है इसका इनवर्स निकालना है फिर इसका यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है जो भी मैट्रिक्स आपके पास है इसका डिटर्मिनेंट तो निकालो तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों यहां पर ये आपका थ्री है -7 16 यानी 9 आएगा फिर इसके बाद यहां पर -4 क्या आएगा 14 40 यानी का 26 यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो प्लस में फाइव इंटू ये क्या बनेगा माइनस फोर प्लस इंटू वन एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझ में आई या नहीं इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन थर्टी सिक्स आएगा ठीक है बच्चों कैलकुलेट करके देख लो ना ये नाइन थ्री जो क्या हुआ ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव यानी थर्टी टू और ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर यानी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर कैरी टू फोर टू एंड टू यानी टेन ऐड करके देख लो ठीक है ना तो डिटामिनेंट ऑफ ए तो मिल गया अब यहां से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए लिखने के लिए हमें को फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे पता है ना आपको तो चलिए शुरू हो जाते हैं यहां पर नाइन ट्वेंटी सिक्स और वन इन्हें उठा के सबसे पहले लिख दो है ना क्योंकि रो वन के जो एलिमेंट्स थे ना उनके को फैक्टर तो हमने यहाँ डिटामिनेंट में पहले ही यूज किया हुआ है ठीक है बच्चों अब जरा रो टू में आते हैं अब रो सेकंड के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखेंगे तो 28 एट प्लस टेन यानी 38 एट यानी नेगेटिव का 38 एट आएगा फिर ये ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फाइव यानी क्या हो जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद हम करेंगे तो माइनस सिक्स और ये बनेगा माइनस का ट्वेंटी यानी प्लस का ट्वेंटी सिक्स एक बार ध्यान से देख लो ठीक है फिर रो थ्री में आते हैं तो यहाँ पर थर्टी टू प्लस फाइव यानी ये हो जाएगा थर्टी सेवन ध्यान से देखिए बच्चों फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ट्वेंटी फोर माइनस टेन यानी फोर्टीन यानी माइनस का फोर्टीन चेक करते रहना ठीक है फिर इसके बाद माइनस थ्री और ये माइनस एट यानी माइनस का 11 तो बस आपको ए इनवर्स मिल गया एट ज्वाइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे यानी हमारा आंसर तो ये रहा ए इन्वर्स के लिए ये नाइन ये ट्वेंटी सिक्स पर वन ठीक है बच्चों फिर यहां पर आपका ये है माइनस थर्टी एट ये है माइनस फोर ये है ट्वेंटी सिक्स फिर यहाँ पर है थर्टी सेवन माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन ये ब्रैकेट बंद कर देना ठीक है बच्चों तो ए इनवर्स की वैल्यू तो मिल गई हमें अब इसका यूज करके हमें अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है इन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से देखना थ्री फोर फाइव टू माइनस वन एट यहाँ पर फाइव माइनस टू सेवन फिर यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिखो जिसमें हम वेरिएबल डाल देंगे और फिर आर में हम कॉन्स्टेंट लेंगे यानी एटीन थर्टीन और ये रहा ट्वेंटी अब नेक्स्ट स्टेप में इस वाले मैट्रिक्स के इनवर्स से दोनों ही तरफ हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों ध्यान से देखना इस पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में 18, 13 और ये 20 वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ये एलिमेंट्स फिलहाल हम लिख के दिखा रहे हैं ध्यान से देखते रहना बच्चों ठीक है अब ये जो मैट्रिक्स है ना जिसका आपको इनवर्स चाहिए वो तो ऑलरेडी यहाँ पर आप निकाल चुके हो तो चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो यानी वन अपॉन वन थर्टी सिक्स यहाँ पर ये है नाइन ट्वेंटी सिक्स वन माइनस थर्टी एट माइनस फोर पर ये ट्वेंटी सिक्स ये थर्टी सेवन माइनस फोर्टीन माइनस इलेवन और ये आपका एटीन थर्टीन ट्वेंटी अब यहां पर आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे और बाहर अपॉन का भी ध्यान रखना तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मेट्रिक की हेल्प से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल चुकी है तो ये रहा जी आपका फाइनल आंसर तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं इसका एक अल्टरनेटिव है उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है फिर इसका यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेना है तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करो ए इंटू बी ही निकाल लो जब ए इंटू बी निकालोगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस फाइव प्लस में थ्री एक बार चेक करो और ये प्लस में सिक्स यानी ये हो जाएगा फोर फिर इसके बाद माइनस फाइव प्लस टू प्लस थ्री यानी जीरो माइनस टेन प्लस वन प्लस नाइन यानी ये भी जीरो फिर यहाँ पर जीरो फोर जीरो एक बार चेक कर लो सेवन बन सेवन प्लस थ्री यानी टेन माइनस टेन फिर यहाँ सेवन प्लस टू यानी नाइन माइनस फाइव फोर ये फोरटीन वन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन बिल्कुल ठीक है आप चेक कर लेना ऐसा ही आना चाहिए तो अब यहाँ पर जैसे ही आप फोर कॉमन लेंगे इस मेट्रिक्स में से तो आपको मिलेगा ए इंटू बी इक्वल्स फोर आई ठीक है अब अपने इक्वेशंस में हम पहुंचेंगे हमारे इक्वेशंस को देखते हुए आप ये तो समझ गए होंगे कि इन्हें हम मैट्रिक्स के हेल्प से लिखेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो यहाँ पर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स आएगा और आर में तो हम कॉन्स्टेंट ले ही लेते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो अब ये जो मैट्रिक्स है ना ये तो मैट्रिक्स बी है ध्यान से देख लो ये आपका मैट्रिक्स बी है ये आपका वेरिएबल वाला मैट्रिक्स और ये आपका कांस्टेंट, यानी वन सेवन टू यहां पर अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ बी इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों ठीक है ना अब बी इनवर्स कैसे निकलेगा ध्यान से देखना यहां पर जो आपने प्रोडक्ट निकाला है यहां पर ध्यान से देखना क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो लिख तो सकते हैं अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इनवर्स की वैल्यू ये आएगी बच्चों ठीक है यानी वन अपॉन फोर इन टू मैट्रिक्स ए तो, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास है वन अपॉन फोर लगाओ ये रहा माइनस फाइव सेवन वन 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 माइनस वन थ्री माइनस फाइव वन और यहाँ पर ये आपका वन सेवन टू वाला मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या देखे जाएगा हमें टू वन माइनस वन यानी जैसे ही आप इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक्स की वैल्यू ये रही वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू भी आपको मिल गई मतलब आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर यहां पर हमसे बोला हुआ है डिफाइन स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों तो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है ध्यान से देखिए ठीक है।, है ना तो अब इस डेफिनेशन को तो हमने लिख लिया अब आगे बोला हुआ है फाइंड द द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग तो मतलब हमारे पास एक लाइन ये है एक लाइन ये है इन दोनों लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है तो फर्स्ट लाइन के लिए हम वेक्टर ए वन लिखेंगे दैट इज आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप वेक्टर b1 लिखेंगे यानी आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप फिर यहां से आप लोग क्या लिखेंगे वेक्टर a2 यानी सेकेंड लाइन में पहुंच गया मैं फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप और फिर वेक्टर b2 टू दैट इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप ठीक है अब क्योंकि आपको वेक्टर a2 टू माइनस वैक्टर ए भी चाहिए होता है तो करो ए टू माइनस ए वन यानी थ्री आई कैप प्लस में फाइव माइनस टू यानी थ्री प्लस में थ्री के कैप भी आएगा ध्यान से देख लो ठीक है बच्चों यानी वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन तो हमने लिख लिया अब हमें बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा बी वन क्रॉस बी टू तो यहाँ पर ये आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ पर वन माइनस थ्री टू ये टू थ्री वन तो अब यहां पर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस थ्री माइनस सिक्स यानि माइनस नाइन आई कैप एक बार चेक करिए मेरी बात समझे या नहीं ठीक है फिर माइनस जे कैप वन माइनस फोर यानि माइनस थ्री यानी प्लस का थ्री जे कैप आएगा बच्चों फिर इसके बाद हम आगे करेंगे तो थ्री प्लस सिक्स यानी प्लस का नाइन के कैप आएगा इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा तो मैग्नीट्यूड निकाल के रख लो पहले से ही यानी वन सेवेंटी वन का अंडर रूट ठीक है बच्चों एक बार ध्यान से देख लो तो इसे हम लोग थ्री अंडर रूट नाइनटीन भी लिख सकते हैं नाइनटीन नाइनजा अगर आपको टेबल आती हो तो ठीक है अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वो क्या होगा ए टू माइनस ए वन वाला जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे बी वन क्रॉस बी टू वाले वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड और फिर बी वन क्रॉस बी टू का जो मैग्नीट्यूड आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है उससे हम इस पूरे को डिवाइड भी कर देंगे ठीक है ना अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम देख लेते हैं ये रहा ए टू माइनस ए वन और ये रहा बी वन क्रॉस बी टू यानी बनेगा माइनस का ट्वेंटी सेवन प्लस का नाइन प्लस का ट्वेंटी सेवन पूरे का मॉडुलस अपॉन थ्री अंडर रूट नाइनटीन यानी फाइनली आपका आंसर आएगा थ्री अपॉन रूट नाइनटीन डिस्टेंस है तो इसे आप यूनिट्स में डिक्लेयर कर सकते हो ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया है आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लो मतलब यहां पर रूट नाइनटीन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेसनलाइज कर लो वरना कोई बात नहीं यहीं पर छोड़ दो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को देखते हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से है तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एक्स एक्स एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इक्वल टू टू तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर आप बना दो y एक्सेज और x एक्सेज भी बनाना पड़ेगा भाई ठीक है तो ये रहा आपका x एक्सेज और ये y एक्सेज यहाँ पर ओरिजन इसमें x को हम जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू थ्री आएगी यहाँ पर थ्री लोकेट करो और अगर y को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस टू आएगी यहाँ पर माइनस टू को लोकेट करो यानी इस तरीके से आपका ये लाइन आ जाएगा यहाँ पर ये माइनस टू है ध्यान रखना बच्चों अब इसके बाद हमारे पास और कौन सी लाइन है x इक्वल टू माइनस थ्री की लाइन है यानी एक लाइन इस तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर आपका ये माइनस थ्री है इसको थोड़ा पीछे बनाओ मतलब x डैश दिखा दो और यहाँ पर x इक्वल टू टू वाली लाइन भी है मतलब इस तरीके से आप ले आओ यहाँ पर ये यह टू हो जाएगा x इक्वल टू वाली लाइन और ये आपका x इक्वल टू माइनस थ्री वाला लाइन तो यहां पर जो एरिया आपको निकालना है बेसिकली वो ये वाला एरिया निकालना होगा एक तो ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया भी आपको फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में ठीक है तो ये सारा काम हम किस तरीके से करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो एरिया फंक्शन बनेगा माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका मॉडुलस लो फिर हम लेंगे माइनस टू से टू वाले इंटरवल के बीच का एरिया यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो सो टू वाई विल बी इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई की वैल्यू आएगी थ्री बाई टू यहाँ पर एक्स प्लस टू समझे इसमें से थ्री कॉमन ले लिया ना तो थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू अंदर बचेगा और टू से डिवाइड कर दिया तो बस यहाँ पर आप लिख पाओगे थ्री बाई टू ये है आपका एक्स प्लस टू डी एक्स यहाँ पर थ्री बाई टू एक्स प्लस टू डी एक्स ठीक है बच्चों? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मतलब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहां पर ये थ्री बाय टू बाहर है ध्यान रखना मॉडुलस का ये बनेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू और इस पे आपको लगाना है लिमिट माइनस थ्री से माइनस टू और पूरे का मॉडुलस फिर अगले में थ्री बाई टू और यहां पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू और यहां पर लिमिट को मत भूलना तो आपका एरिया क्या बनेगा बच्चों ये मॉडुलस में थ्री अपॉइन फोर लिखो अपर लिमिट डालोगे तो जीरो लोअर लिमिट डालोगे तो टू माइनस थ्री यानी माइनस वन का स्क्वायर यानी ये प्लस वन हो जाएगा इस तरीके से फिर अगले वाले में यानी इसमें आते हैं थ्री बाई फोर अपर लिमिट हम डालेंगे तो फोर का स्क्वायर यानी ये बनेगा सिक्सटीन माइनस जीरो इस तरीके से आपको मिलेगा ये बनेगा थ्री बाई फोर क्योंकि मॉडुलस है माइनस थ्री बाई फोर का मॉडुलस प्लस थ्री बाई फोर और यहां पर ये क्या हो जाएगा फोर्टी एट अपॉन फोर यानी फाइनली आपका आंसर आएगा फिफ्टी वन अपॉन फोर क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखो या यूनिट्स स्क्वायर लिखो ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ फाइव मार्कर क्वेश्चन हो चुके हैं अब हम फोर मार्कर क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तो यहां पर बोला हुआ है अ पोस्टर इज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द इवेंट ऑन जी ट्वेंटी समिट इन इंडिया द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पोस्टर आर ईच सिक्स सेंटीमीटर द टॉप एंड बॉटम तो पोस्टर का जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे ना तो यहां पर ये यह जो मार्जिन है ये सिक्स सेंटीमीटर है और ये भी सिक्स सेंटीमीटर है यहां पर समझे ये सिक्स सेंटीमीटर के मार्जिन हैं फिर इसके बाद बोला हुआ है साइड में जो मार्जिन होंगे यानी ये वाला जो मार्जिन है ना इधर से आपको मार्जिन दिख रहा होगा ये कितना है तो फोर सेंटीमीटर है और ये वाला मार्जिन भी कितना है तो फोर सेंटीमीटर है एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑन पोस्टर तो ये जो आपको प्रिंटेड पोर्शन दिख रहा है ना वाइट कलर से इसका एरिया दे रखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब आगे क्या पूछा हुआ है पढ़ लेते हैं अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है इफ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ एंड बी सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द पोस्टर देखो विड्थ का मतलब क्या हुआ ये वाला पोर्शन भी आपको लेना है और ये वाला पोर्शन भी लेना है यानी मार्जिन को भी लेना है इनको मिलाते हुए ये पूरा आपका विड्थ है ना ये ए बना हुआ है तो प्रिंटेड पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ए माइनस फोर माइनस फोर यानी ए माइनस एट सेंटीमीटर वाले पोर्शन में आपकी प्रिंटिंग हो रही होगी हमने विड्थ निकाल लिया जहां पर हमें प्रिंटिंग करनी है पोस्टर के ऊपर ऐसे ही हाइट को आप देखेंगे तो हाइट में ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन यानी सिक्स सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर दोनों ही एंड पे हमें लेने होंगे इनको कवर करते हुए ये पूरा हाइट आपको दे रखा है बी यानी अगर आप प्रिंटिंग के लिए देखोगे तो आपको लेना पड़ेगा बी माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर समझे प्रिंटिंग के लिए लेने का मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं जहां पर प्रिंटिंग होगी जिसमें यह मार्जिन कवर नहीं होंगे तो क्वेश्चन में चाहता क्या है हमसे फर्स्ट पार्ट में देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी तो यहां पर प्रिंटेड मटेरियल के लिए ए माइनस एट ये इसका एक डायमेंशन था और बी माइनस ट्वेल्व इसका दूसरा डायमेंशन था लेंथ इंटू हमने कर दिया बस यही आपका एरिया हो जाएगा प्रिंटेड मटेरियल के लिए ठीक है बच्चों तो आपका काम हो चुका है आप चाहो तो यहां पर डायमेंशन लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ओके अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है

अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को यानी a माइनस एट इंटू बी माइनस ट्वेल्व इस पूरे को 384 एट्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रखूंगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको भी नहीं होगी ठीक है ना बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इंटू बी माइनस ट्वेल्व ए एक बार चेक करो ठीक है फिर इसके बाद ये क्या आएगा माइनस एट बी और फिर ये प्लस का नाइनटी सिक्स ना दैट विल टू थ्री एटी फोर ठीक है यहां से आपको फर्दर क्या मिलने वाला है बच्चों? ये बन जाएगा आपका ए बी इसको एज इट इज माइनस ट्वेल्व ए माइनस एट बी ना दैट इज इक्वल टू थ्री एटी फोर माइनस नाइनटी सिक्स ये क्या बनेगा आपका दिस विल बी टू एटी एट आपको बी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए ध्यान रखना तो यहां पर टू एटी एट प्लस ट्वेल्व ए लिख सकते हो इस 12 A को उधर ले गया, ओके? इसमें से और इसमें से बी कॉमन लोगे, तो आपको ए माइनस एट दिखेगा इसे डिनोमिनेटर में में लगा दो, भेज दो तो इस तरीके से आपको मिलेगा टू एटी एट प्लस ट्वेल्व ए अपॉन ए माइनस एट यानी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए ठीक है ना तो सेकेंड पार्ट का भी यहां पर सॉल्यूशन हो चुका है अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है थर्ड पार्ट में देखते हैं पोस्टर सेम डाटा को रिपीट कर दिया गया है एरिया एफ दोस्टर इन टर्म्स ऑफ एनली यानी पोस्टर का एरिया अगर हम लिखेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा तो पोस्टर का एरिया होगा ए इ बी की वैल्यू लिखी है इन टर्म्स ऑफ ए टू एट प्लस ट्वेल्व ए एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ टू एटी एट प्लस ट्वेल्व ए अपॉन ए माइनस एट ठीक है तो इस तरीके से आपको एरिया की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ ए ओनली आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो ये बनेगा ट्वेल्व ए स्क्वायर प्लस टू एटी एट ए अपॉन ए माइनस एट तो इस तरीके से तो आपको एरिया फंक्शन मिल गया बच्चों ठीक है क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर ट्वेल्व कॉमन लोगे तो अंदर क्या मिलेगा ए प्लस यहां पर यह हो जाएगा ट्वेंटी फोर ए अपॉन में ए माइनस एट इसे फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहां पर यह ट्वेल्व बाहर इसे आप लिख सकते हो ए प्लस थर्टी टू प्लस टू फिफ्टी सिक्स अपॉन ए माइनस एट एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझे या नहीं ठीक है अगर समझ गए तो बढ़िया वरना कोई बात नहीं जो मैंने लिखा इसमें आप एलसीएम लेकर देखो जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है अब आपके क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है ध्यान से देखो यानी अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव भी निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए तो ये ट्वेल्व बाहर यहाँ पर ये यह वन हो जाएगा थर्टी टू का जीरो यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो ये नेगेटिव आएगा यानी माइनस -256 अपॉन ए माइनस 8 का होल स्क्वायर इस तरीके से आपसे डबल डेरिवेटिव भी पूछा गया है ध्यान से देख लो बच्चों तो यहां पर ये 12 बाहर 1 का 0 और यहां पर ये प्लस +2 यानी 512 अपॉन ए माइनस 8 का होल क्यूब तो इस तरीके से आपको डबल डेरिवेटिव भी मिलता हुआ दिख रहा होगा आगे इसने बोला है कि ए की वैल्यू बताओ ताकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो यहां पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा इसे जीरो के इक्वल रखेंगे सो ट्वेल्व इंटू वन माइनस टू फिफ्टी सिक्स अपॉन ए माइनस एट का होल स्क्वायर ये पूरा जीरो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए माइनस एट का होल स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टी सिक्स आएगा यहां से होल स्क्वायर हटाओगे तो ए माइनस एट आएगा प्लस माइनस सिक्सटीन ध्यान से देख लो तो यहां से आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी जब प्लस सिक्सटीन लोगे तो ए की वैल्यू ट्वेंटी फोर मिलेगी माइनस सिक्सटीन लोगे तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसे हम रिजेक्ट कर देंगे ए की वैल्यू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर यहां से हमको मिल जाएगी बच्चों ठीक है ना अब क्योंकि ये थर्ड पार्ट था ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का तो मतलब यहां पर इसका एक अल्टरनेटिव भी होगा तो अल्टरनेटिव में क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट एरिया ए ऑफ द पोस्टर इज मिनिमाइज्ड ध्यान से सुनना बच्चों आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव निकाला था ना अभी मैं यहां पर दोबारा से ये सारी चीजें सॉल्व नहीं करूंगा मैं डायरेक्टली ऊपर से वैल्यू ले सो so, का क्यूब अब क्योंकि लेंथ लूंगाशन है यानी ए की वैल्यू भी तो आ चुकी है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस एट यानी सिक्सटीन का हॉल क्यूब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा सोच के देखो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो केस ऑफ मिनिमा होता है तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ चुका है तो तो किस कंडीशन कंडीशन में में हुआ तो उस में हुआ उस जब A की वैल्यू ट्वेंटी सेंटीमीटर थी तो ए की वैल्यू मिल चुकी है बी की वैल्यू निकालने के लिए हम पहुंचेंगे वहां पर जहां पर हमने बी की वैल्यू निकाली थी यानी सेकंड पार्ट में टू एट प्लस ट्वेल्व ए अपॉन ए माइनस एट याद रखना इसे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ बी क्या था टू एटी एट प्लस ट्वेल्व ए ए मतलब ट्वेंटी फोर अपॉन ए माइनस एट यानी ट्वेंटी फोर माइनस एट इस पूरे में से ट्वेल्व हम कॉमन ले लेंगे तो जैसे ही ट्वेल्व कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये ट्वेंटी फोर और ये भी ट्वेंटी फोर बचेगा नीचे आपका ये हो जाएगा सिक्सटीन यानी ट्वेल्व इंटू फोर्टी एट अपॉन सिक्सटीन यानी ट्वेल्व इंटू थ्री यानी ये हो जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ध्यान से देखो b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है अब आगे क्या बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया भी निकालना है एरिया फंक्शन क्या निकाला था? हमने पूरा करके यहां पर आपको दिख रहा होगा ट्वेल्व टाइम्स ए प्लस थर्टी टू ट्वेल्व टाइम्स ए प्लस थर्टी टू प्लस टू फिफ्टी सिक्स अपॉन ए माइनस एट एक बार मैं रिकनफर्म कर लेता हूं यही था इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दो यानी 24, तो कैलकुलेशन वाला काम आपके लिए छोड़ने वाला हूं मैं ये टू फिफ्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस एट यानी ये 16 हो जाएगा आगे सिंप्लीफाई कर लो ये ट्वेल्व यहाँ ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी टू और ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन यानी फोर्टी यानी ये हो जाएगा सेवेंटी टू तो ये क्या बनेगा वन फोर्टी फोर इन टू में सिक्स यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फोर कैरी टू सिक्स और यहाँ कैरेटो यानी एट सिक्सटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की तरफ चलते हैं यह रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यानी सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर इसमें क्या बोला हुआ है इन ए कॉलोनी देयर आर थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी इन द ब्लॉक ए सिक्सटी परसेंट फैमिलीज फॉलो हिंदी न्यूज चैनल्स while in block b 70% families follows hindi news channels and in block c 80% families follows the hindi news channels a family is selected at random from the colony let e1 e2 and e3 be the event that the family is selected from block a block b and block c respectively let a be the event that the family selected follows hindi news channels अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला हुआ है राइट द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ई वन पी ऑफ ई टू एंड पी ऑफ ई थ्री देखो बच्चों तीन फैमिली हैं तो P ऑफ E1 की वैल्यू निकालो या P ऑफ E2 की वैल्यू निकालो या P ऑफ E3 की वैल्यू निकालो ये सब किसके इक्वल आएंगे ये सब वन बाई थ्री के ही इक्वल आएंगे ध्यान से देखो ये भी वन बाई थ्री आएगा और ये भी वन बाई थ्री ही आएगा तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कंप्लीट हो गया पार्ट में क्या पूछा हुआ है कंडीशनल फैमिली वॉच हिंदी न्यूज प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है यानी ब्लॉक ए में से हिंदी न्यूज चैनल वाले लोग कितने हैं? तो 60%, इसे आप 60 परसेंट भी लिख सकते हो या मन करे तो ऐसे लिखो या फिर मन करे तो थ्री अपॉइन फाइव भी लिख सकते हो ठीक है बच्चों अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं तो यहां पर बोल रहा है द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली फॉलोज़ हिंदी न्यूज चैनल यानी आपको पी ऑफ ए लिखना पड़ेगा तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों ध्यान से देखना मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं ये बनेगा पी ऑफ ए ओवर ई टू इन टू पी ऑफ ई टू प्लस पी ऑफ ए ओवर ई थ्री पी ऑफ ई थ्री अब कुछ वैल्यूज तो हमारे पास हैं P ऑफ E1 हो P ऑफ E2 हो या P ऑफ E3 हो इनकी वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी तो वन बाई थ्री तो पुट करके कॉमन भी ले लेना P ऑफ A ओवर E1 की वैल्यू ये रही 60 परसेंट यानी 60 अपॉन हंड्रेड ही लिखूंगा मैं P ऑफ A ओवर E2 यानी ब्लॉक B में चलते हैं वहां पर हिंदी न्यूज चैनल वाले 70% परसेंट हैं फिर ब्लॉक C में 80% परसेंट है यानी यहां पर P ऑफ A ओवर E2 ये बनेगा 70% परसेंट और फिर ए ओवर ई थ्री यानी ब्लॉक सी में हिंदी न्यूज चैनल देखने वाले एट्टी परसेंट है अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो हंड्रेड ही रहेगा ऊपर आप ऐड करके देखो ये बनेगा टू वन जीरो चेक करके देख लो जीरो से जीरो कटेगा यानी सेवन अपॉन में टेन आप चाहो तो यहीं छोड़ दो या फिर इसे आप सेवेंटी परसेंट भी लिख सकते हो ठीक है बच्चों अब इसमें एक अल्टरनेटिव भी होगा जो कि पक्का आपको दिख ही रहा होगा अब दिख गया होगा ठीक है इसमें क्या पूछ रहा है अ गवर्नमेंट ऑफिसर अ फैमिली एट अट्रेंडम इन द द कॉलोनी एंड ही फाउंड दैट फैमिली वॉच हिंदी न्यूज चैनल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली बिलोंग्स टू ब्लॉक बी यानी अब ये बन जाएगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो बेस थ्योरम में हम यहां पर बेसिकली अब क्या निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग e2 अपॉन a का प्रोबेबिलिटी ठीक है तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पर आप क्या लिखोगे पी ऑफ ए ओवर ई टू इन टू पी ऑफ ई टू अपॉन पी ऑफ ए पी ऑफ ए जो आपने अभी अभी निकाला है बच्चों ठीक है अब पी ऑफ ओवर ई टू यानी सेवेंटी परसेंट यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये रहा सेवेंटी परसेंट पी ऑफ ई टू यानी वन बाई थ्री और ये भी आपका आया था सेवेंटी परसेंट अगर आपको ध्यान हो बच्चों ठीक है अब यहां पर जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई थ्री यानी ये रहा आपका आंसर तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर इसको भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है सौरभ मेहरा इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड एंड हिज बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय दिस फंक्शन इन एक्स डेज अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है ज द फंक्शन एफेक्ट्स डिफरेंशियबल इन दिस इंटरवल जस्टिफाई योर आंसर अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो फंक्शन एफेक्ट है दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर देयर फॉर एफेक्ट्स इज डिफरेंशियबल एफेक्ट इज डिफरेंशियबल इन द इंटरवल इस इंटरवल में जीरो कोमा टेन वाले इंटरवल में भी ये डिफ्रेंशियबल होगा क्योंकि ये पोइलोमियल फंक्शन है यहां मैं पूरा लिख देता हूं ठीक है टॉप में देख लो अब इसके बाद क्या बोला हुआ है फाइंड द क्रिटिकल ऑफ द फंक्शन यहां पर यह फंक्शन तो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है मतलब हमें यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो यहां पर मैं डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूं ध्यान से देखना बच्चों तो यहां पर मैं डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूं ध्यान से देखना बच्चों एफ डेक्स जैसे ही निकालना शुरू करोगे यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव तो हम क्या करेंगे बच्चों एक्स को बाहर एक्स माइनस थ्री होल स्क्स एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री बचेगा यानी आपको मिलेगा थ्री एक्स माइनस थ्री अब यहां से फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहां लिख रहा हूं नीचे ध्यान से देखो एफ डेक्स विल बीवल टू थ्री टाइम एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री ठीक है बच्चों समझ गए इतनी बात अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा डेरिवेटिव को हम लोग जीरो के इक्वल रख देंगे यानी थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो बस यहां से एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी और थ्री आ जाएगी यही दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों हमसे तो सेकेंड पार्ट ये रहा बच्चों फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमा एंड एब्सोलूट मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल हम लोग ऑलरेडी यहां पर डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है मतलब एक्स की जगह वन एंड थ्री ये आपके क्लोज इंटरवल जीरो टेन में ही हैं तो हम लोग अपने फंक्शन एफेक्स में तो हम लोग अपने फंक्शन एफेक्स में एफेक्ट्स क्या है आपको याद है ना एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर चलिए मैं आपको दिखा लाता हूँ एक सेकेंड ये देखो ठीक है ना तो हम लोग अपने फंक्शन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे एक्स की जगह जीरो यहाँ पर क्लोज इंटरवल को देखते रहना एक्स की जगह जीरो फिर वन फिर थ्री और फिर टेन तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफ जीरो निकालेंगे जो कि जीरो आएगा आप चेक करके देखो फिर एफ वन निकालोगे तो वन इंटू वन माइनस थ्री का ये हो जाएगा फोर आप चेक करिए फिर थ्री निकालोगे तो थ्री इंटू जीरो स्क्वायर यानी जीरो फिर इसके बाद यहाँ पर एफ टेन हम निकालेंगे ये तो फोर 10 10 नाइनटी तो तो और एब्सोलूट मिनिमा क्या मिलेगा यहां पर मैं डिक्लेयर कर देता हूं टॉप में देखिए ये आपका एप्सोलूट मैक्सिमा हो जाएगा ठीक है बच्चों फिर इसके बाद एब्सोलूट मिनिमा क्या होगा नीचे लिख रहा हूँ बॉटम में आप देखो तो एप्सोलोट मिनिमा यानी सबसे छोटा यहां पर जीरो ही है तो एक आंसर ये रहा मतलब एप्सोलोट मैक्सिमा का एक आंसर ये रहा मतलब एप्सोलोट मिनिमा का ठीक है बच्चों तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और इसी के साथ हम लोगों ने पी टी एस ट्वेंटी फोर का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस किया है बच्चों इससे पहले जितने भी पी टी एस मैंने आप लोगों को इस चैनल पे दिए हैं उन सभी पी टी एस के सॉल्यूशन सिर्फ आपके लिए डिस्प्ले किए गए थे टाइम कंस्ट्रेंट यही सबसे बड़ा इशू है अदरवाइज हर टेस्ट का सॉल्यूशन आपके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोिफिकेशन ऑन ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बे गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू बच्चो